नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। राजस्थान पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 से जुड़ी खबर देखें तो देखते हैं राजस्थान एलडीसी भर्ती 2013 अपडेट। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप देख सकते हैं जो खबर आई है, उपेंद्र यादव ने यहाँ पर ट्वीट किया है, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 के दूसरे चरण की 6029 पदों पर भर्ती प्रक्रिया लंबित है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी लंबे समय से जो पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 है उसके दूसरे चरण की जो 6029 पद पर भर्ती प्रक्रिया अभी तक लंबित है। और दूसरे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करवाने के लिए आज अभ्यर्थी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। मामले में तुरंत संज्ञान लेकर दूसरे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया कैलेंडर जारी करने की कृपा करें। तो आप देख सकते हैं उपेंद्र यादव ने यहाँ पर मुद्दा उठाया कि दूसरे चरण की जो प्रक्रिया है जिसमें 6029 पद लंबित है तो उसे पूरा करें और दूसरे चरण की जो नियुक्ति प्रक्रिया कैलेंडर जारी करने की यहाँ पर मांग उठाई गई है। उम्मीद है कि उपेंद्र यादव लगातार बेरोजगारों की मांग उठा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यानी उपेंद्र यादव ने अब मुद्दा उठाया है तो जल्द इस पर संज्ञान लिया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत से कहा है कि जल्द इस पर संज्ञान लें और इसका प्रक्रिया का चरण की नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी करें। तो ये अपडेट थी राजस्थान पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 से जुड़ी जो आपके सामने शेयर करनी थी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।